हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ फेज टू सीरीज़ जो नाबार्ड की हम लोग कर रहे हैं उसका पार्ट 27 लेकर। अभी तक टोटल 26 पार्ट का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए, कोविड-19 चल रहा है और नाबार्ड ने अनाउंस कर दिया है 2022 यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी वो कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में नहीं होगा तो आप यकीन मानिए सेकेंड या थर्ड वीक में ज़रूर हो जाएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो की एक छोटी सी मिस्टेक है उसको करेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो की। देखिए, प्रीवियस वीडियो मैंने 8 नंबर का जो क्वेश्चन था पार्ट 26 में 8th नंबर पे एक क्वेश्चन था, हम सब लोगों ने पढ़ा है उसको। उसका सही जवाब तो ऑप्शन बी ही था, लेकिन लास्ट का जो 7 है वो आप डिलीट कर दीजिएगा। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिनंशियल ईयर 2019-20 यानी फिनंशियल ईयर 20 में टोटल 3979 किलोमीटर लेंथ के हाईवेज बनाए हैं। आप लोगों को पता तो चले गया होगा मिस्टेक, क्योंकि मैंने आपसे एक और चीज़ बताई थी भारतमाला प्रोजेक्ट, इसमें मैंने आपको बताया था कि फेज़ वन में 2017 से लेकर 2022 तक NHAI को 27,500 किलोमीटर बनाने हैं और जो टोटल हाईवे बनना है वो कितना बनना है 34,800 किलोमीटर फेज़ वन में बनना है। तो इसी से आपको मेरी मिस्टेक का पता चल गया होगा, क्योंकि जब फेज़ वन में 27,500 किलोमीटर बनाने हैं तो सिर्फ एक वर्ष में 39,000 कैसे हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, फिर भी एक लोगों ने कमेंट किया, रजत सिंह जी ने कमेंट किया, तो अब उन्होंने कमेंट कर दिया था और मेरी नॉलेज में थी ये मिस्टेक, तो मुझे करेक्ट करवाना जरूरी था। हालांकि वो PDF भी मैंने अपडेट कर दी है और ये मिस्टेक भी। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है एक वर्ष में 3979 किलोमीटर का हाईवे क्रिएट करके या कंस्ट्रक्ट करके। अगर एवरेज हम निकाल लें तो एवरेज 10.90 किलोमीटर हाईवे पर डे बनाया है। इनका टारगेट क्या था फिनंशियल ईयर 20 में, जो है टारगेट था NHAI का टोटल 4500 किलोमीटर का, लेकिन कंप्लीट कितना किया 3979। अगर 4500 कंप्लीट कर लेते तो इनका जो पर डे कंप्लीट होता वो कितना होता 12.32 किलोमीटर का हाईवे कंप्लीट होता। एक और सजेशन आया, सजेशन ये था कि वीडियो की लेंथ जो है शॉर्ट होनी चाहिए। अब इसको मैं जो है फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है। खैर, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। किसान रथ ऐप ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसान रथ ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जो फूड ग्रेन होता है उसके इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है। आप याद रखिएगा, जैसे आप ओला उबर जो है हायर करते हैं ऐप के थ्रू, उसी तरह किसान रथ ऐप है। इसमें जब किसानों को अपनी क्रॉप को, फसल को या फूड ग्रेन को मंडी तक ले जाना होगा या फार्म से घर तक ले जाना होगा तो किसान रथ ऐप का यूज़ कर सकते हैं। टोटल 8 लैंग्वेजेस में यानी 8 भाषाओं में ये अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। आप अपना जो है सामान घर से मंडी या मंडी से इंटर स्टेट मंडी तक ले जा सकते हैं। किसान रथ ऐप फार्मर्स और ट्रेडर्स को दोनों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी करंट सिनेरियो देखें तो टोटल 5 लाख यानी 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर्स किसान रथ ऐप के लिए रजिस्टर्ड है, यानी ये सब आपको सेवाएँ प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि क्या हुआ, किसान रथ ऐप क्योंकि आपके घर से जो है फार्म से मंडी तक ले जा रहा है, लोकल एरिया की मंडी तक, और लोकल एरिया की मंडी तक इंटर स्टेट मंडी तक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब किसान रथ ऐप जो है फार्मर्स को प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। प्राइमरी मतलब फार्म टू लोकल मंडीज, ये हो गया प्राइमरी, और सेकेंडरी क्या हो गया लोकल मंडीज टू इंटर स्टेट मंडीज, दोनों तरह की सर्विसेज किसान रथ ऐप आपको प्रोवाइड करेगा। इसको डेवलप किसने किया है, NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है और आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। यह क्वेश्चन है, टेम्परेरी राशन कार्ड ये जो है किस जिला, किस सिटी की जिला परिषद द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो लॉकडाउन चल रहा था, ऐसे कई सारे लोग थे जिनको जो है राशन कार्ड उनके पास नहीं थे और भूख से वो लोग मर जाते, स्कैर्सिटी फील करते, इसलिए उनको टेम्परेरी तौर पर राशन कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड की गई। किस जिला परिषद द्वारा? तो पुणे जिला परिषद ने टेम्परेरी राशन कार्ड स्कीम लॉन्च कर दी ऐसे लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। टोटल 80,000 लोग ऐसे थे पुणे जिला परिषद में जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, और अब टेम्परेरी राशन कार्ड प्रोवाइड करने से क्या होगा, इनको PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके तहत ये लोग राशन ले सकते हैं। टेम्परेरी राशन कार्ड के लिए सजेशन किसने दिया था, अमृत सेन ने और अभिजीत बनर्जी, ये दोनों लोग नोबेल लॉरियट हैं आप सभी को पता होगा। उसके अलावा रघुराम राजन, इन तीनों लोगों ने सजेस्ट किया था टेम्परेरी राशन कार्ड के लिए। टेम्परेरी राशन कार्ड के लिए वन टाइम आधार वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, इसके बाद आपको सेम एस PDS जो आपको पता ही है 3, 2 और 1 रुपीज KG के हिसाब से जो मिलता है वो आपको मिल जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आपका 2013 है उसमें जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, ग्राम सभा।
ग्राम सभा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इसीलिए आपको याद होगा ग्राम प्रधान जो है अपने जो अपने बंदे होते हैं उनके लिए आधार कार्ड वो राशन कार्ड बना देता है, बाकी जो रियल जिनको जरूरत होती है उनके लिए राशन कार्ड नहीं बनाता है, क्योंकि ग्राम सभा को अथॉरिटी दी गई है बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट किसकी मदद से लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक की मदद से लॉन्च किया था। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट 2004 में लॉन्च किया गया था, उस समय स्वाइन फ्लू और H1N1 ये सब चर्चा में थी, तो उनके सर्विलांस के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। रिसेंटली COVID-19 आया है, तो इसी दौरान ITSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया गया है। ये भी वर्ल्ड बैंक हेल्प है कर रहा है इसमें। इसमें क्या होगा, ITSP पोर्टल लॉन्च किया गया है, ITSP पोर्टल लॉन्च किया गया है, COVID-19 रिलेटेड जो डाटा होगा यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें COVID-19 रिलेटेड डाटा को जो है तीन फॉर्मेट्स में अपलोड किया जाएगा। एक होगा S फॉर्मेट यानी सस्पेक्ट्स, जो सस्पेक्टेड होंगे वो केसेस, दूसरा होगा P फॉर्मेट यानी प्रिजम्प्टिव, और तीसरा होगा L फॉर्मेट यानी लैब कन्फर्म्ड केस। तो SPL फॉर्मेट में डाटा को अपलोड किया जाएगा ITSP प्लेटफॉर्म पे, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये आप जरूर देखिएगा। खास बात क्या है, ये ITSP प्रोग्राम की या फिर ITSP प्रोजेक्ट की, इसको 3 यानी 3 लेवल पे मॉनिटरिंग भी की जाती है। एक सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल सर्विलांस यूनिट होता है CSU, सेंट्रल सर्विलांस यूनिट, फिर SSU होता है स्टेट सर्विलांस यूनिट, और डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट, 3 लेवल पे मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगलोर ब्लू ये जो है किसकी फेमस वैरायटी है? तो बैंगलोर ब्लू ये ग्रेप्स यानी कि अंगूर की फेमस वैरायटी है। COVID-19 के कारण चर्चा में है, क्योंकि इसका जो है व्यापार बिजनेस जो है प्रभावित हो गया है, इसलिए बैंगलोर ब्लू काफ़ी चर्चा में थी। देखिए रेड सैंड सॉइल में उगाई जाती है आपकी बैंगलोर ब्लू। ग्रेप्स की स्पीसी है, मैंने आपको बताया ग्रेप्स की प्रजाति है अंगूर की। टेम्परेचर के कारण क्या होता है, इसका कलर डार्क पर्पल हो जाता है, कितना डार्क पर्पल हो जाता है इसका कलर, इसीलिए इसको बैंगलोर ब्लू के नाम से जाना जाता है। मोस्टली इसका यूज़ जूस बनाने में या फिर वाइन बनाने में किया जाता है। 2013 में बैंगलोर ब्लू को GI टैग भी मिल चुका है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। GI टैग के विषय हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GI फॉर गुड्स एक्ट 1999 में पास किया था। ये जो GI दिया जाता है ये WTO के कौन से एग्रीमेंट के तहत आता है, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत GI टैग दिया जाता है। तो बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स की वैरायटी आप इतने याद रखिएगा, बैंगलोर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 असिस्टेंट के तौर पर NDB द्वारा कितना फंड अनाउंस किया गया है? तो रिसेंटली NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6 मीटिंग हुई, इसमें इंडिया से जो हमारे शक्तिकांत दास जी ने भी पार्ट लिया और निर्मला सीतारमण जी ने भी पार्ट लिया। तो जो ब्रिक्स कंट्रीज थी उन्होंने घोषणा की कि $5 बिलियन, कितना $5 बिलियन, इसका जवाब सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। NDB ने मेंबर कंट्रीज के लिए $5 बिलियन के COVID-19 फंड की, इमरजेंसी फंड की घोषणा की है या फिर COVID-19 असिस्टेंस की घोषणा की है। सबके लिए $1 बिलियन है, क्योंकि ब्रिक्स आप सभी को पता है ब्रिक्स 5 कंट्रीज से मिलकर बना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, सभी कंट्रीज को $1 बिलियन दिया जाएगा, इसीलिए $5 बिलियन के फंड की घोषणा की गई है COVID-19 से हेल्प के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका दूसरा नाम है ब्रिक्स बैंक, ऐसा कहा गया है अगर सिचुएशन और ख़राब होती है तो इस $5 बिलियन को बढ़ाकर $10 बिलियन फ्यूचर में किया जाएगा, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है, तो आप $5 बिलियन याद कर सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर जिसको ब्रिक्स बैंक कहते हैं, स्थापना कब हुई थी, 2014 में। ब्रिक्स की समिट चल रही थी, 6 समिट चल रही थी, कहाँ पे, ब्राज़ील के फोर्टिलिजा में। फोर्टिलिजा आपने डिक्लेरेशन सुना होगा, फोर्टिलिजा डिक्लेरेशन, ये ब्रिक्स से रिलेटेड है। इसी डिक्लेरेशन के दौरान 2014 में आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में, यहाँ पर देखिएगा। 2018 में ही इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ऑब्जर्वर चुना गया है ब्रिक्स बैंक को। यह क्वेश्चन है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने देपोरोजो ब्रिज किस स्टेट में बनाया है? तो रिसेंटली BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने देपोरोजो ब्रिज को बनाया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है सुबनसिरी रिवर। क्या नाम है, सुबनसिरी रिवर। उसी पर रिकॉर्ड 27 डेज में ये ब्रिज बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज काम करता है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ब्रिज की लंबाई कितनी है, 430 फीट, इतना डीप तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन हमें बता देते हैं, तो आप देखिएगा। इसके अलावा BRO ने एक और ब्रिज बनाया है, आप वो भी नोट कर लीजिएगा, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये ब्रिज है आपका
ईस्टर्न साइड पे यानी अरुणाचल प्रदेश में। डेपो रिजो ब्रिज ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश पे सुबनसिरी रिवर पे है। एक और ब्रिज बहुत फेमस है इस समय, उसका नाम है कसोवाल ब्रिज, KASOWAL कसोवाल ब्रिज। ये रावी रिवर पर है। कहाँ पे? देखिए पंजाब में एक कसोवाल इंक्लेव है, उसको मेन लैंड इंडिया से जोड़ने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। प्रोजेक्ट चेतक के तहत ये ब्रिज बनाया गया है। जो कसोवाल ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी है? 484 मीटर, जबकि डेपो रिजो ब्रिज की कितनी है? 430 फीट। तो यहाँ फीट है और यहाँ पे मीटर है, तो आप इतना देखिएगा। प्रोजेक्ट चेतक जो है, प्रोजेक्ट चेतक वो PRO का प्रोजेक्ट है। इसके तहत राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इनसे रिलेटेड जो बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज के आसपास BRO द्वारा ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रोजेक्ट चेतक BRO का इनिशिएटिव है। BRO कब स्थापित हुआ था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में स्थापित हुआ था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत था, बाद में इसको डिफेंस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया था, यानी अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है, लेकिन एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वो होम मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है, होम मिनिस्ट्री के तहत। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के कारण 2020 में कितने लोग फूड क्राइसिस फेस करेंगे या फिर उससे सफर करेंगे? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसका नाम था ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। उसके तहत 265 मिलियन लोग 2020 में कोरोना वायरस के कारण फूड क्राइसिस फेस करेंगे। यही अगर सेम पीरियड देखा जाए लास्ट मार्च 2019 में, तो ओनली 135 मिलियन लोगों ने फूड क्राइसिस फेस किया था एक साल पहले, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसकी पॉपुलेशन में 130 मिलियन लोग ऐड हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग सेम 100% के आसपास, 100% नहीं तो 90% जो है रेशियो बढ़ गया है फूड क्राइसिस फेस करने वाले लोगों का। तो कोरोना वायरस के कारण 265 मिलियन लोग फूड क्राइसिस फेस करेंगे 2020 में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, देखिए एक ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस रिलीज की गई थी रिसेंटली, उसमें ये कहा गया 265 मिलियन लोग फूड क्राइसिस फेस करेंगे इस वर्ष COVID-19 के कारण। ये जो रिपोर्ट थी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, इसको ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने जारी किया था। इस ग्लोबल नेटवर्क में कौन है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, साथ ही साथ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और UN तो है ही है, आप जानते हैं UNWFP यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1963 में स्थापित किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट ये किस वर्ष पास हुआ था? तो इसमें माइग्रेंट वर्कर्स का काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, तो आप सभी को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कोई रूल्स रेगुलेशन है माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड। तो हाँ, एक एक्ट पास हुआ था 1979 में, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। देखिए इससे पहले एक ओडिशा दादन लेबर एक्ट था 1975, उसको रिप्लेस किया गया था इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 द्वारा। ये एक्ट सिर्फ जो लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं उन्हीं पर काम करता है, उसके अलावा सिर्फ उन्हीं कंपनीज पर लागू होता है ये एक्ट जिनमें कम से कम 5 या फिर उससे अधिक माइग्रेंट वर्कर्स यानी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स कार्यरत हैं। तो आप समझ सकते हैं एक्ट तो जो ये एक्ट है अपने आप में ठीक है, लेकिन क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लाइसेंस लेके जाता है? या फिर जैसे आपको कोई जॉब मिल गई, माइग्रेंट वर्कर्स हैं आप, कहीं आप जॉब करने जा रहे हैं, तो क्या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं उसका लाइसेंस चेक करते हैं कि हाँ इसके पास लाइसेंस है या नहीं? आपको अपने काम से मतलब है, अपनी पगार से मतलब है? तो रूल्स रेगुलेशन है लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979 में पास हुआ था। ये सभी उन सभी एंटिटीज पर लगता है जहाँ पे 5 या फिर उससे अधिक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा खास बात क्या है, इस स्टेट जो आपकी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी आप कानून में नहीं जा सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो जो जिन चीज़ों के लिए कानून में नहीं जा सकते हैं उसके लिए संसद को ही कानून बनाना पड़ता है। जैसे आपका DPSP है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, तो उसके लिए संसद जो है कानून बनाए। ये मैंने आपको बता दिया इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। उसके अलावा एक सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट था, उसका नाम था अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये 2008 में पास हुआ था। ये किसके लिए था? जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं वर्कर्स उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए था। तो ये दो एक्ट आप जरूर देखिएगा, एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का थीम क्या था? क्लाइमेट एक्शन।
22nd, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? 22nd अप्रैल को आपका अर्थ डे हो गया, 22nd मार्च को क्या था? वाटर डे। वाटर डे आपका 22nd मार्च को था, और 22nd मई को क्या होगा? आपका वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो लगातार 3 महीनों तक दो जो तीन इंपॉर्टेंट डेट हैं आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रक्तकोष पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो जिन लोगों को थोड़ा सा भी पता होगा उनको याद होगा कि ई रक्तकोष पोर्टल को 7 अप्रैल 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था? ब्लड डोनेशन के विषय में लोगों को अवेयर करना और उनको इंगेज करना ब्लड डोनेटिंग में, यानी कि लोग जाके खुद ही ब्लड अपना डोनेट करें, इसके लिए ई रक्तकोष पोर्टल लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में। आप देखिएगा, खास बात क्या है ई रक्तकोष पोर्टल की, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रत्येक ब्लड ग्रुप के स्टॉक की, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप कितना स्टॉक है, सारा ई रक्तकोष पोर्टल पे अवेलेबल रहता है। और इसको मैंने अभी आपसे बताया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा लॉन्च किया गया था 7 अप्रैल 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, @covidindiasewa ये एक ट्विटर हैंडल है, किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो @covidindiasewa इस ट्विटर हैंडल को रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था। ये एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म मतलब आपके यहाँ सुविधाएं सही नहीं मिल रही, आप ट्विटर पर जाके अपनी कई सारी चीज़ों के लिए, इस समय सुशांत सिंह राजपूत के विषय में जो है कई सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर ट्विटर पर जाके लोग करते हैं। तो अगर आपको फैसिलिटी सही नहीं मिल रही तो @covidindiasewa यहाँ पर जाके इनको ट्वीट कर सकते हैं टैग करके, तो आपकी जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने @covidindiasewa लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो, आपको पता है COVID-19 के कारण जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो कितने परसेंट डाउन हो जाएंगी या फॉल कर जाएंगी? तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की थी कि COVID-19 का इम्पैक्ट रेमिटेंसेज पे क्या पड़ेगा, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें बताया गया है जो रेमिटेंसेज का ग्लोबल फ्लो है वो लगभग 20% कम हो जाएगा। कितना परसेंट कम हो जाएगा? 20%। और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें कि इंडिया में जो रेमिटेंसेज आ रही हैं उनमें कितने परसेंट की कमी आएगी, तो 23%। तो इंडिया का 23% डाउन होगा और ग्लोबल का 20% डाउन होगा। इंडिया के विषय में कहा है वर्ल्ड बैंक ने कि 2019 में जो रेमिटेंसेस $83 बिलियन थी, कितनी? $83 बिलियन थी, वो COVID-19 के हालत घटकर $64 बिलियन हो जाएंगी, यानी 23% का डिक्रीज होगा इंडिया की रेमिटेंसेज में। अच्छा, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज किस स्टेट में आती हैं? केरल में आती है, यहाँ पे देखेगा। और किस कंट्री से इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आती हैं? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके अलावा सेकंड नंबर पे यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NBS न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम को किस वर्ष लॉन्च किया था? तो 2010 अप्रैल में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इस स्कीम को रन कौन कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। मिनिस्टर कौन है? सदानंद गौड़ा। इस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, देखिएगा। अब ये चर्चा में है क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने अमोनियम फास्फेट को NS4 का ऑथराइज और PO4 अमोनियम फास्फेट को भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में इंक्लूड कर लिया है। उसके अलावा नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स, इन पर सब्सिडी को 3% कम कर दिया है। और नॉन यूरिया फर्टिलाइजर वो सभी NBS स्कीम में शामिल होते हैं। देखिए, यूरिया के लिए अलग से गजट नोटिफिकेशन जारी होता है कि उसका MRP कितना रहेगा। यूरिया में आके आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? यूरिया 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज 46% होता है। और इसके लिए अलग से गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, यानी कि स्टेचुरी पावर अलग से इसकी होती है। बाकी जो आपके न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है उनको NBS में शामिल किया जाता है। तो यूरिया को छोड़ के बाकी सारे इसमें शामिल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मेनली फॉर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा मेनली फॉर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स तो वहाँ पे NPK भी लिखा हुआ था, तो NPK तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। तो आप याद रखिएगा NBS स्कीम यूरिया को छोड़ के बाकी सबके लिए है। 2010 अप्रैल में लॉन्च की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर द्वारा, और रिसेंटली नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी को 3% तक कम कर दिया गया है। साथ ही साथ अमोनियम फास्फेट को NBS स्कीम में शामिल कर लिया गया है। मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्लांट के लिए 18 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको बताना है उसमें से स्ट्रक्चरल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 3, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो लास्ट ईयर नाबार्ड के फेज 2 में क्वेश्चन आया था, उसमें 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट बताए गए थे। अब मुझे कई जगह पे 18 दिखे तो मैंने 18 शामिल कर लिए, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा।
क्योंकि अब मैं ये बोल दूंगा मैं तो 18 ही टिक करके आऊँगा, क्योंकि मुझे यही से लग रहा है और मैं यही आपको नाम भी बताऊंगा सारे के सारे 18 का। तो स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट के तौर पर तीन को काउंट किया जाता है। पहले आपके कौन से होंगे, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट के तौर पर काउंट किया जाता है। उसके बाद आपके प्राइमरी, ये सब देखिए पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें तीन कैटेगरी होती है, एक होता है स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स जिसमें CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं, फिर होता है आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स उसमें NPK शामिल होता है आपका, फिर होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल होता है। तो ये हो गए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा आपका बचा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनको जिनकी जो है पौधों को कम जरूरत होती है उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें जैसे आपका Fe हो गया यानी आयरन हो गया, फिर आपका B हो गया यानी बोरॉन हो गया, फिर कॉपर हो गया, फिर क्लोरीन हो गया, मैग्नीज हो गया, और फिर मॉलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकिल हो गया। तो इस तरह से मिला के टोटल न्यूट्रिएंट्स कितने हो गए, 18 हो गए। लास्ट ईयर नाबार्ड में 17 बताया तो वो उनके हिसाब से सही बताया होगा, लेकिन मुझे इस समय 18 मिले हैं तो मैंने 18 इंक्लूड कर लिया। बाकी आप अलग अलग डिसाइड कर लिए, मतलब कि अलग अलग याद रखिएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें तीन कैटेगरी होती है, स्ट्रक्चरल, प्राइमरी, सेकेंडरी। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो अलग मैंने आपको बता ही दिया। देखिए कितनी अजीब बात है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मैंने कहीं भी आपको EC नहीं बताया, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस नहीं बताया, साथ ही साथ आपको pH वैल्यू नहीं बताई, लेकिन जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड होता है उसमें ये दोनों ही शामिल होते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको 12 न्यूट्रिएंट शामिल किए गए हैं, वो भी आप देखिएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया 2 प्लेसेस का नुकसान हुआ है, 2 प्लेस नीचे आ गया है इंडिया, और इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 142nd, लास्ट ईयर कितनी थी 140। तो 2 प्लेसेस का नुकसान हुआ है 2020 की रैंक में, इंडिया कौन से प्लेस पे है, 142nd। लगातार चौथे वर्ष यानी फोर्थ ईयर टॉप किया गया है नॉर्वे द्वारा, तो नॉर्वे ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लगातार चौथी बार टॉप किया है। सेकंड कौन है, फिनलैंड सेकंड है, आप देखिएगा टोटल 180 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है जिसमें इंडिया की रैंक आई है 142nd। देखिए सॉरी, चीन को प्राप्त हुआ है 177th प्लेस, मैंने अभी आपको बताया 180 जो है टोटल कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है और चीन को प्राप्त हुआ है 177th प्लेस, यानी वहाँ पे प्रेस को फ्रीडम ही नहीं है। अभी आप डोकलाम इशू हुआ था आपको पता ही होगा, वहाँ के जो लोग शहीद हुए थे उनका नाम भी सामने नहीं आया कितने लोग शहीद हुए थे। लास्ट रैंक किसकी है, तो नॉर्थ कोरिया की है, चीन सिर्फ उससे 3 प्लेसेस ऊपर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको जारी कौन करता है, तो 2002 से पर ईयर प्रत्येक वर्ष इसको रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स RSF, जो ये फ्रेंच लैंग्वेज में इसका नाम है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसके द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंच लैंग्वेज में नाम है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा। RSF रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का हेडक्वार्टर है पेरिस में, और ये एक NGO है, इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। इस बार इंडिया की रैंक है 142nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल स्वाइन फीवर, इससे सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट रिसेंटली प्रभावित रहा। तो जो लोग न्यूज देख रहे होंगे उनको पता होगा, असम क्लासिकल स्वाइन फीवर से बहुत प्रभावित रहा। यहाँ पर ईस्टर्न आसाम का जो एरिया है वहाँ पर लगभग 1300 यानी 1300 के आसपास सुअरों की मौत हो गई, पिग्स की मौत हो गई। अब क्लासिकल स्वाइन फीवर, देखिए सुअरों को दो तरह के स्वाइन फीवर बहुत प्रभावित करते हैं, एक क्लासिकल स्वाइन फीवर हो गया और दूसरा है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। 2020 का जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था वो हम लोग कवर कर चुके हैं, उसमें बताया गया था 2012 से लेकर 2019 के बीच में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई गई है पिक्स की, वो कहाँ पाई गई है, असम में पाई गई है। असम पिक्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को होल्ड करता है। असम का जो पोर्क मार्केट है यानी पिक्स के मांस को क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, हालांकि मैंने पढ़ाया है इसको, पोर्क एनिमल हस्बेंड्री वाले लेक्चर में पढ़ाया है पोर्क। तो जो असम में पोर्क का मार्केट है वो $1 बिलियन से भी अधिक है। ऐसे समय में अगर क्लासिकल स्वाइन फीवर इफेक्ट करता है तो आप समझ सकते हैं कितना लॉस हो जाएगा। क्लासिकल स्वाइन फीवर ये इसका दूसरा नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में शायद इसी नाम से पूछेंगे। क्लासिकल स्वाइन फीवर को कहते हैं हॉग कॉलरा, क्या कहते हैं, हॉग कॉलरा। ये एक वायरस जनित रोग है यानी वायरस से होता है, डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों तरह के पिक्स में हो सकता है। खास बात क्या है, ये सिर्फ पिक्स को होता है, इससे मतलब हम लोग इंसान अफेक्ट नहीं होते हैं, आप इतना देखिएगा। अब बात आई है बीमारियों की, तो बीमारियों की जो एनिमल से रिलेटेड संस्था है उसके विषय में बात करते हैं। जैसे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वैसे ही वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ये भी है, इसके टोटल 182 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। WTO जो है उसने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को मान्यता दे रखी है, इसलिए हमने फाइटोसैनिटरी एंड सैनिटरी मेजर्स पढ़े थे, जो सैनिटरी मेजर्स हैं
एनिमल के मीट के लिए वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं और इसीलिए WTO ने मान्यता दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक ये किस इंस्टीट्यूशन द्वारा रिलीज किया जाते हैं? तो कमोडिटी मार्केट आउटलुक को वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक बाई एनुअली, खास बात यह है कि अप्रैल और अक्टूबर बाई एनुअली दो बार जो है रिपोर्ट जारी करता है कमोडिटी मार्केट आउटलुक। इस बार COVID-19 के कारण इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की कमोडिटी मार्केट आउटलुक, इसमें कहा है सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा COVID-19 का वो एनर्जी एंड मेटल्स से रिलेटेड जो कमोडिटी हैं उन पर पड़ेगा। और सबसे जल्दी एनर्जी पे ही पड़ा था, आप सभी को पता होगा एनर्जी की डिमांड ही बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, इसलिए एनर्जी की डिमांड बंद हो गई थी। तो कमोडिटी मार्केट आउटलुक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया था, आप देखिएगा। खास बात क्या है कमोडिटी मार्केट आउटलुक में, इसमें ऑयल को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी क्रूड ऑयल को भी इंक्लूड किया जाता है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसके विषय में पढ़ चुके हैं, एक बार आपके बता दीजिए किस रिवर पर स्थित है? तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पर स्थित है, तेलंगाना में है, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। देखिए गोदावरी रिवर और प्राणहिता रिवर जहाँ पे मिलती हैं वहीं पर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। टोटल कॉस्ट कितनी है? 80,000 करोड़ की। देखिए इसका पहले नाम था जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डिवाइड नहीं होते थे, नहीं हुए थे, तब इसका नाम था प्राणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट। क्या नाम था? प्राणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट। लेकिन अब है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, आप नया देखिएगा। खास बात यह है कि जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है इससे तेलंगाना के मिशन काकतेया और मिशन भागीरथी इन दोनों मिशंस को हेल्प मिलेगी। मिशन काकतेया किसके लिए है? इरिगेशन के लिए है। और मिशन भागीरथी किसके लिए है? ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। ये दोनों तेलंगाना के मिशन है और इनको कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पंचायती राज डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2010 से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस बार जो पंचायती राज डे हुआ है 24 अप्रैल 2020 को, तो PM मोदी ने दो स्कीम जो है दो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। एक है ई ग्राम स्वराज, पर्पस क्या है? जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी मॉनिटरिंग के लिए ई ग्राम स्वराज प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, क्योंकि पंचायती राज डे पे लॉन्च किया गया है। तो आप देखिएगा ई ग्राम स्वराज पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, तो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसके वर्क की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए ई ग्राम स्वराज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है स्वामित्व प्रोग्राम। जो पंचायतों में लैंड होती है, हाउस होल्डिंग होती है, उसका जो है मैपिंग करना है, इसके लिए स्वामित्व प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। स्वामित्व प्रोग्राम अभी थोड़ी देर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। वापस आते हैं हम लोग पंचायती राज पे। संविधान हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान था। उस आर्टिकल 40 को वास्तविक रूप देने के लिए 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और इसके तहत हमारे संविधान में पार्ट 9 इंक्लूड किया गया। कौन सा पार्ट? 9 इंक्लूड किया गया। पार्ट 9 आपका पंचायतों से रिलेटेड है और पार्ट 10 आपका म्यूनिसपालिटी से रिलेटेड है, आप देखिएगा। देखिए आर्टिकल 246 है वो राज्य सरकारों को अधिकार देता है कि पंचायतों के लिए नियम कायदे कानून बनाएं। बलवंत राय मेहता कमेटी, इन्होंने कहा था 3-tier सिस्टम होना चाहिए हमारे इंडिया में पंचायतों के लिए, और इन्हीं की रिकमेंडेशन पे हमारे इंडिया में पंचायतों के लिए 3-tier सिस्टम को लागू किया गया है। लेकिन आप देखिएगा जो 20 लाख ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां की आबादी 20 लाख या उससे ऊपर है वहां पे 3-tier सिस्टम इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन 20 लाख या उससे नीचे है तो आप 2-tier सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। तो पंचायती राज जो आपका अमेंडमेंट आया था वो आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 24 अप्रैल 1992 को पास हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। नागालैंड मेघालय मिजोरम इन पर पंचायती राज बिल्कुल नहीं लागू है, पंचायती राज एक्ट बिल्कुल नहीं लागू है। साथ ही साथ कुछ मणिपुर का कुछ स्पेसिफिक एरिया हो गया वहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है। तो कई सारी ऐसी भी इंडिया की जगह हैं जहाँ पर पंचायती राज एक्ट लागू नहीं है, आप ये भी नोट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपने बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सुना होगा कि आपका सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकता। आपको बताएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविजन किस केस के बाद हुआ? तो गोलकनाथ केस, ये रिलेटेड है आपके मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है गोलकनाथ केस। इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जो बेसिक डॉक्ट्रिन है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो केशवानंद भारती मामले से आया है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट कभी भी ऐसा कोई
अमेंडमेंट नहीं कर सकती है जिससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन हो। बेसिक स्ट्रक्चर के विषय में जो है संविधान में कोई प्रोविजन नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी परिभाषा तय करता है डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट को आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, या फिर सेकुलर रहना चाहिए इंडिया, ये सब चीजें जो है आपके बेसिक स्ट्रक्चर में अवेलेबल हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में कहीं प्रोविजन नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया केशवानंद भारती मामले 1973 के तहत। ये केरल राज्य के विरुद्ध था केशवानंद भारती मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेह और दिल्ली, ये दो शहर है इंडिया के जहां पे रन किया जाएगा, आपको बताना है कौन सी कंट्री द्वारा रन किया जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इन्होंने कहा है कि लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल रन किए जाएंगे। देखिए एनटीपीसी ने कहा है कि 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बसें ये रन करना स्टार्ट कर देगा, साथ ही साथ सेम अमाउंट की कारें यानी 10 कारें भी ऐसी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलती हों उनको लेह और दिल्ली में रन किया जाएगा। आप याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसमें एनटीपीसी का सहयोग करेंगे। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेह और दिल्ली दो शहरों में ही रन किए जाएंगे, आप इतना याद रखिएगा। खास बात क्या है इसमें, सिर्फ वाटर जो है आपके पोल्यूशन के नाम पे सिर्फ वाटर निकलता है, अभी क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब तो निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे तो वाटर वेपर निकलेगी आपकी पोल्यूशन के नाम पे, तो उससे कोई पोल्यूशन होता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन कौन सी कंट्री वर्ल्ड की टॉप 4 मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्रीज में शामिल नहीं है। तो वर्ल्ड की टॉप 4 मिलिट्री स्पेंडिंग वाली कंट्री हैं यूएसए जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है मिलिट्री पे, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडिया और फोर्थ है आपका रशिया यानी सऊदी अरब। टॉप फोर हाईएस्ट एक्सपेंडिचर वाली मिलिट्री एक्सपेंडिचर कंट्रीज में शामिल नहीं है। देखिए सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने रिसेंटली ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 नाम से एक रिपोर्ट जारी की। नाम क्या था रिपोर्ट का? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इसके नाम से सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की। उसमें बताया गया है कि 2019 में जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बढ़कर 1917 यानी 1917 बिलियन डॉलर हो गया है। साथ ही साथ इंडिया और चाइना टॉप 3 मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाली कंट्रीज में भी शामिल हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर वो कौन करता है? यूएसए करता है। खास बात यह है कि टॉप 5 कंट्रीज वर्ल्ड की मिलिट्री एक्सपेंडिचर करती हैं यानी कि यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया और सऊदी अरब, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का 62% मिलिट्री एक्सपेंडिचर करती हैं। यानी अगर 193 कंट्रीज माने हम वर्ल्ड में तो 5 कंट्री 62 लेके बैठी हैं और बाकी जो आपकी 188 कंट्रीज बनी हैं बची हैं वो 38% ही मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करती हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, इंडिया अपनी टोटल जीडीपी का 2019 की बात करेंगे तो इंडिया अपनी टोटल जीडीपी का 2.4% डिफेंस सेक्टर पे खर्च करता है। इस बार जो आपका बजट आया था उसमें लगभग 227 लाख करोड़ का बजट आया था। इस बार उसमें डिफेंस पर कितना बजट एलोकेट किया गया था? तो 318,931.22 करोड़। कितना? 318,931.22 करोड़ फंड एलोकेट किया गया डिफेंस सेक्टर को, क्योंकि सिप्री ने रिपोर्ट जारी की थी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो सिप्री के विषय में आपको पता ही होना चाहिए, फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1966 में सिप्री की स्थापना होती, हेडक्वार्टर आपको पता ही है स्वीडन के स्टॉकहोम में होगा। यह क्वेश्चन है प्रकृति, ये एक डैशबोर्ड है, आपको बताना है किस इंस्टीट्यूशन द्वारा डेवलप किया गया है। तो IIT दिल्ली ने प्रकृति डैशबोर्ड को लॉन्च किया है COVID-19 के स्प्रेड को प्रेडिक्ट करने के लिए कि कहां पे कितनी स्पीड से COVID-19 का स्प्रेड हो रहा है। तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए प्रकृति डैशबोर्ड को IIT दिल्ली ने डेवलप किया था। देखिए जो प्रकृति है इसका एक फुल फॉर्म भी है, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। क्या है फुल फॉर्म प्रकृति का? प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, ये है प्रकृति का फुल फॉर्म। इस डैशबोर्ड को IIT दिल्ली ने डेवलप किया है कोविड 19 के स्प्रेड को इंडिया में प्रेडिक्ट करने के लिए। ये जो प्रकृति है ये 3 वीक्स का जो डाटा होगा उस डाटे का एनालिसिस करेगा स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और नेशन वाइज, इस हिसाब से डाटा का एनालिसिस करेगा। 3 वीक का डाटा कलेक्ट करेगा प्रकृति डैशबोर्ड, उसी हिसाब से एनालिसिस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व स्कीम, मैंने अभी आपको बताया था जो नेशनल पंचायती राज डे था उस दिन स्वामित्व स्कीम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च की थी। आपको बताना स्वामित्व स्कीम के फर्स्ट फेज में कितने स्टेट्स को कवर किया जा रहा है? तो स्वामित्व स्कीम के फर्स्ट फेज में 6 स्टेट्स को कवर किया जा रहा है। 6 स्टेट कौन से हैं? वो हरियाणा, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, UP, उत्तराखंड। हरियाणा, कर्नाटक, MP,
महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, ये 6 स्टेट हैं जिनको स्वामित्व स्कीम के फर्स्ट फेज में कवर किया जा रहा है। स्वामित्व स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मैंने तभी आपको बताया था, ई स्वराज पोर्टल और ये स्वामित्व स्कीम दोनों मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है। स्वामित्व का फुल फॉर्म भी बताया आपको, स्वामित्व का फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये है स्वामित्व का फुल फॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है आपका स्वामित्व। और मैंने अभी आपको बताया जो लैंड होल्डिंग्स हैं पंचायतों के अंतर्गत, उन सभी की मैपिंग की जाएगी, डिजिटल तौर पर उनको स्टोर किया जाएगा। आप सभी को पता है ग्राम जो प्रधान होते हैं वो फ्रॉड करते हैं, जमीन किसी को भी दे देते हैं, तो डिजिटली मैपिंग की जाएगी, इसीलिए स्वामित्व स्कीम लॉन्च की है। अगले 4 वर्षों में फेज वाइज इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। 4 वर्षों मतलब 2020 से लेकर 2024 के बीच में, 2024 के बीच में फेज वाइज इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज में 6 स्टेट को शामिल किया गया है, 6 स्टेट का नाम आपको पता ही है। तो पंचायती राज मिनिस्ट्री एंड सर्वे ऑफ इंडिया स्वामित्व स्कीम को रन करेंगे। पीएम मोदी ने नेशनल पंचायती राज डे वाले दिन लॉन्च किया था इसको। लास्ट क्वेश्चन है, जो 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ, आपको पता है कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो रिसेंटली 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ था, इसमें टोटल 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था इस बार। COVID-19 के कारण ऐसा हुआ था कि पहली बार ये जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया था। इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया होगा, तो जायज है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है कौन, प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है इसको 2010 से जर्मनी द्वारा होस्ट किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन के लिए। एंजेला मर्कल जो जर्मनी की चांसलर हैं, ये उनका इनिशिएटिव था। इस बार जो ये पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है इसकी अध्यक्षता 2 कंट्रीज ने मिलकर की, जर्मनी और यूके, इन 2 कंट्रीज ने मिलकर 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की अध्यक्षता की। अब यूके ने क्यों की, क्योंकि जो COP26 है UNFCCC का, COP26 है उसको इस बार यूके द्वारा होस्ट किया जाएगा, यानी यूके उसका हेड होगा, इसलिए इस बार के 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को जर्मनी के साथ यूके ने भी मतलब कि उस बैठक की अध्यक्षता की। तो आप देखिएगा, देखिए दो चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए, एक क्योटो प्रोटोकॉल, एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलेटेड है, 1997 में आया था, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो सिर्फ ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ये 1987-88 में आया था, अभी नया देखिएगा। तो 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, 30 कंट्रीज इंडिया की तरफ से, हमारे प्रकाश जावड़ेकर, और जर्मनी द्वारा होस्ट किया जाता है, और इस बार अध्यक्षता जर्मनी और यूके दोनों द्वारा की गई। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।